हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक मदान, पीजीटी ऑफ कॉमर्स इन अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन नोर। टुडे वी विल डिस्कस फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इन अकाउंटेंसी। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आई होप दिस वीडियो विल रियली गोइंग टू हेल्प एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगन टुडेज लेक्चर ऑन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। Very first chapter in 12th standard starts from partnership, and your 11th standard accounting was for the sole proprietorship. Student, आपने जो 11th class में accounting study की वो सिर्फ sole proprietorship के लिए थी, but now in 12th standard we will learn the accounting concept of partnership, companies and their analysis. Dear students, you heard about the various forms of business organization like sole proprietorship, partnership organization, joint Hindu family, cooperative society and company organization. But as per class 12th standard, you have the knowledge of three important business organization like sole proprietorship, partnership organization and company organization. And dear student, you should know why we form partnership, and before know the answer of this question, you should know about the sole proprietorship or sole trade. So sole trade is the oldest form of business organization. All the present day forms of business organization are the developed forms of this system. Student, जैसा कि आपको पता है, sole trade बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, और आज प्रेजेंट डे में जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, सोल ट्रेड का ही एक एक्सटेंड और डेवलप्ड वर्जन है। सोल ट्रेड इज पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। सोल ट्रेड केवल इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट what is the exact meaning of sole proprietorship or sole trade? It refer to that form of business organization which is owned by a single individual. आप कह सकते हैं sole trade एक ऐसी form है business organization में जिसमें सिर्फ एक owner होता है, who is solely responsible for its management. वही owner अपने business के लिए अकेला solely responsible रहता है and receive all the profit and loss, और business में होने वाले सभी profit और loss को वही बियर करता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाई वी चूज पार्टनरशिप ओवर द सोल ट्रेड। इट हैज़ जनरली बीन ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर सम न्यू सिस्टम स्टार्ट्स, इट्स बेसिस हैपन टू बी द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम। स्टूडेंट, आप सभी को पता है जब भी हम कोई नया सिस्टम अडॉप्ट करते हैं उसके पीछे जो मेन रीजन रहता है द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम। उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम एक नया सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेड लाइक लैक ऑफ कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी दैट पार्टनरशिप फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कम इन टू एग्जिस्टेंस। सोल ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन थी, जैसा कि लैक ऑफ कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से हमने पार्टनरशिप को फॉर्म किया, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई। लैक ऑफ कैपिटल में आप कह सकते हैं इन सोल ट्रेड ओनली 1% कैन इन्वेस्ट देयर कैपिटल, बट इन पार्टनरशिप मैनी पर्सन कलेक्टिवली इन्वेस्ट देयर कैपिटल। बट ऑन द अदर हैंड इन सोल ट्रेड ओनली 1% एंड ओनली 1 मैनेजर परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, बट इन पार्टनरशिप मैनी पर्सन्स कलेक्टिवली परफॉर्म द ऑल इम्पोर्टेंट एक्टिविटी एफिशेंटली, बट दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इन द सोल ट्रेड। डैट्स वाई वी चूज द partnership over the sole trade, and you can say that therefore some person may combine and enter into an agreement to form a partnership. Sole trade ke inhi limitation ko dur karne ke liye kuch person combine aur collectively apni capital invest karte hain aur ek business start karte hain in the way of agreement and partnership. And now we will discuss the definitions of partnership as per Indian Partnership Act 1932. As per Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Student, आप कह सकते हैं पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है
जिसमें पार्टनर्स एग्रीड होते हैं एक लीगल और लॉफुल बिजनेस कैरिड करने और उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और समटाइम सम पार्टनर आर नॉट एक्टिव इन बिजनेस एक्टिविटी. ओनली फ्यू पार्टनर्स परफॉर्म द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी for the efficient business. And thank you students, I think this video help you to understand the concept of partnership and sole proprietorship, and have a wonderful day.